What's up guys, good morning to a new vlog. अभी बज रहे सुबह के 4, कानपुर का हमारा स्टे बहुत ही 24 आज का शॉर्ट स्टे था दशहरा के लिए. हमें सुबह 3 बजे निकलना था इसलिए रात को हम जल्दी सो गए. रावण दहन भी नहीं देख पाए. सभी यार एयरपोर्ट हाईवे पे हैं, रुके हैं चाय के लिए. भैया 3 कप 4 कप चाय, 3 बिना शक्कर के 1 शक्कर के साथ. मेरा बच्चा कल थोड़ा घबरा गया था ये रावण को देख के. जब रामलीला में ऋषियों यात्रा में रावण आया था ना 10 मुंह लेके, इन्होंने लगी थी रावण को देख के. थैंक यू मैम, सब कपड़ा ले लिया. गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. शीलो रशी का टिकट है, संभाल लो रशी, देख लो तुम्हारा नाम हम ठीक है कि नहीं. खुश कितनी है रशी, रशी ए जी ए डर्टी डिशेस इन द सिंक, वी हैव बीन लेइंग हियर फॉर वीक्स वीक्स वीक्स, व्हेन आई एम टॉकिंग एनीमोर लाइक वी आर स्कैर्ड ऑफ ट्राइंग, सो डिफरेंट फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ. देखा जरा देखा जरा देखा जरा. हाँ रशू मम्मा. क्या हो गया भाई, जल्दी करते हैं, लेट हो रहा हूँ. लेट हो गए, बीवी की डांट पड़ रही है मेरे को. अभी 1 घंटा पहले इसी रूट से मैं वापस गया था, जाके चाय पिए और वापस बीवी के साथ ड्यूटी पे. अरे पहुंच जाएंगे यार, क्या टेंशन ले रही है. ये अपनी चोटी बांध रही है घर पे और मुझे कह रही है तुम्हारी वजह से लेट हो गया. इतने बहाने बाज की दुनिया में बहुत ही अतरंगे कंपटीशन होते हैं. ओवर ईटिंग का भी कंपटीशन होता है, फार्ट करने का भी कंपटीशन होता है, बस एक बहानेबाजी का कंपटीशन दुनिया में रह गया. अगर वो हो जाता ना गाइस तो मेरे घर पे गोल्ड मेडलों की लड़ी लगी होती, क्योंकि ऐसे बहाने दुनिया में कोई नहीं लगाता जैसे ये लगाती है. राइट लेना भी नहीं आता. इतने बहाने इतने बहाने, इससे तो पापा भी परेशान है. ये तो रशी को ही बहाना लगा देती है. सो वी आर गोइंग टू इस्तांबुल बाय द वे, इट्स जस्ट 1 डे शॉर्ट ट्रिप. इसकी फ्लाइट लगी थी, मैं कहा सर मैं भी निकल लेता हूँ साथ में. बट आई हर्ड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, प्लस फीमेल ब्यूटी भी बहुत ज्यादा, मैंने सुना है ऐसा. टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ने दो. नहीं, क्या पढ़ रही है यार, हम भी तो जहाज चलाते हैं, इतना तो हम नहीं पढ़ते. अर्ज किया है पतियों की किस्मत जाती है खुल जब बीवी का लेवर लगता है इस्तांबुल. बाय बाय मोटे हैं. हाँ एक टाइम मिली और क्या, ट्रेन में थोड़ा मिलेगी पागल. सो गाइस रितु चली गई डिस्पैच ऑफिस, मैं जा रहा हूँ अपना एयरलाइन के काउंटर पे. रितु इज इन द कॉकपिट और मेरे बगल की दोनों सीटें खाली है, तो मैं सोच रहा सोया तो रितु ने कहा था अगर सीट खाली मिले तो पैर पसार के सो जाना, बट मेरा भारी शरीर इस पर आएगा कि नहीं, ट्राई मारता है. आई फील रियली एंबैरस्ड टू स्लीप लाइक दिस एंड आई सी यू आफ्टर द नैप. भाई साहब क्या सोया हूँ मैं, सो आई बेसिकली स्लिप्ड ऑन द सीट. पर जो खाना ले गया था वो मेरे पास है, तो रितु शायद एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है और भूखी बेचारी. सो आई टेल द क्रू मैं सो खाना लूँगा मैम, हमारे पास कुछ पनीर सैंडविचेज हैं, ये कप्तान मैडम को दे दीजिए. बैड बेचारी की मैं सो गया, उसने कुछ नहीं खाया, वो बेचारी जहाज उड़ा रही है. सो अभी मैं थोड़ी सी करूँगा एडिटिंग यूजिंग माई ट्यून एली, जो कि मैं हमेशा बांध रहा था अपने साथ, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल. आई टेक कॉल्स टू माई एडिटिंग, वॉच माई वीडियो, ऑडियो जिम में मैं यूज़ करता हूँ. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉर अ डिवाइस विच आई कैन वेयर लाइक थ्रू आउट द डे, बिकॉज एक जिम में मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि जैसे ही जिम में आप स्वेट करना शुरू करते हो ना आपके कानों में पसीना आता है,
मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कीप फॉलिंग फ्रॉम योर ईयर, बट इसका जो ये बिल्ड इन है ना, ये इतना अच्छा बिल्ड इन है, इतना अच्छे से कान के अंदर फिट रहता है कि ये पसीने में भी लाइक जो मैं करूँगा एडिटिंग, इफ यू वांट टू बाय दिस द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ टी इज ग्रेटर देन 30 गौरव इज एडिटिंग, मतलब अगर मुझे कहीं पे भी आधे घंटे का फ्री टाइम मिलता है, मैं लैपटॉप हमेशा साथ लेके चलता हूँ और मैं एडिटिंग करने लग जाता हूँ। मेरा जो इस्तांबुल का प्लान था बहुत ही रैंडम था। पहले हम 8 तारीख को जा रहे थे, तो जस्ट आनंद फानन में आए हैं, हमने ठंडे कपड़े गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं रखे, एंड यहाँ पे लैंडिंग के टाइम पे शी अनाउंस दैट टेम्परेचर इज 18 डिग्रीज। वाओ, सो हमारी कैब थोड़ी लेट आई है और मैडम चलेगी तैयार होने की, मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, उस चक्कर में और लेट होगा क्योंकि सच धज के आई है, जैसे स्वयंवर में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि जल्द मतलब बहानेबाजी कॉम्पिटिशन नंबर 1। लड़के ज्यादा बहाने बनाते कि लड़कियाँ? बहानेबाजी में लड़कियाँ नंबर 1 होती है। एब्सोल्युटली है, सही बोल रहा हूँ ना? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। देखो ये भी मैंने गिराया था ना, फोन मैंने गिराया था, वजह से गिराया। तेरे को मजे कराता हूँ आज। जिसको जिसको अगर इस्तांबुल घूमने आना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास एक वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप जाइए इनकी साइट पे, अप्लाई करिए, आपको विद इन 2 मिनट्स या वीज़ा आपको ईमेल पे आ जाएगा, एंड द ओनली फी इज़ $43। ये आ रही थी एक दिन के लिए, मैंने कहा कप्तान साहब जहाज चला रहे हैं पीछे बैठ के हम चले जाते हैं, इनके साथ ही रह लेंगे, बस इनके पैसे उड़ा लेंगे। देख कितना हो रहा है, मैंने तो घुमाया आज तक, कितने वो नहीं किया। दिस इज आवर ब्यूटीफुल रूम हयात रेजेंसी इन इस्तांबुल। मैंने उनको बोला सर गिव अस अ रूम विद अ व्यू, कहता डोंट वरी अल्लाह हबीबी, इस्तांबुल में ऐसा माहौल है जहाँ भी खिड़की खोल दो आपको व्यू मिलेगा। चुप दिया उसने, अच्छा नहीं 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 है वाओ। बट देख कितना अच्छा पार्क है, देख ऐसी जगह बड़े रहने के लिए, देख रशी अपना स्कूटर चलाया यहाँ पे, रश भाई को खिलाएंगे यहाँ पे अपना मोटर। लेकिन तू पता मेरी कितनी बेइज्जती कराता यार, पता मेरी कितनी बेइज्जती हुई आज, एम्बैरेसमेंट मेरे को फ्लाइट में हुआ, मैं फ्लाइट में ऐसे सो रहा हूँ अभी थी, मैं ऐसे करके सो रहा हूँ ऐसे कर, टूटू मेरी जींस फटी हुई है यार। ये वो वाली जींस है जो पहले फट गई थी? हाँ, इस औरत की इतनी खराब आदत है, मैं जो कपड़े मेरे कहता हूँ ये फटे कपड़े हैं, मुझे नहीं पहने, खराब कपड़े में निकाल के बाहर रख दूंगा, ये दोबारा तला करके मेरी अलमारी बंद देती है, मोटे मोटे नहीं क्योंकि मैं कूड़ेदान रखता हूँ, कूड़ेदान से निकाल के मेरे रख देती हूँ, लेकिन असली में नहीं पता चलता मोटे, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ यार, ऐसे लोगों को मेरा सब सपेरा दिख गया। अभी हम लोग आए टैक्सिम जो भी बोलते हैं, एंड इट इज अ क्वाइट हैपनिंग स्ट्रीट। अभी थोड़ा सा पेट पूजा कर रहे हैं लोग, लगी है वेज मिलेगा यहाँ पे, मिल जाएगा वेज तो और क्या, मोटे मेरे को कैश दे दे मैं वही खाऊंगा। ये मोटा आज मेरे को घुमा रहा है तू, मोटे से कैश देना पड़ रहा, दे दे याद रखूंगा कि तू मुझे कितना सताया जिंदगी में। चिकन रोल ठंड में इतना अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर ना, बिकॉज हीट आ रही है यहाँ से कोल्ड। तो ऋतु ने मुझे ये दिया सर्दी बचाने के लिए कि ऐसे चलो, और खुद जैसे ठंड बचाने के लिए क्या किया है, ये जैकेट पहनी हुई है, मैम ने दी है जैकेट। We have taken a short break. हम अभी आए H&M के अंदर कुछ सामान लेने, बिकॉज बाहर ठंड बहुत है, इसलिए कि मैं शायद बीमार पड़ जाऊंगा, सो आई एम ट्राइंग टू गेट अ जैकेट और समथिंग। यहाँ से ऊपर जाएगी तू, यहाँ से ऊपर जाएगी ये। तो फाइनली आई गॉट दिस, यार इतनी सेक्सी तो लग रहा हूँ, लेकिन तू जो है गॉन केस, जब देखा टेम्परेचर 14 डिग्रीज है नेट पे, मुँह में दही जमा के बैठ गई पता नहीं क्या। इन एंड आउट ऑफ द स्टोर इन लेस देन 5 मिनट्स सिंस 1986। मतलब ये जो टर्किश आइसक्रीम की ये जो कलाकारी है ना मोटे, ये कानपुर में ना चले, मतलब लौंडे बुला ले, इन चार साला रंगबाजी दिखा रहे हैं भाई, रंगबाजी दिखा रहे लौंडा आ जाओ।
अब हम लोग आए जो मैं बोला था कि मोस्ट हैपनिंग जगह होगी, बट ये ऐसे लग रही देखने से कि जैसे मेन मार्केट में एक जगह होती है सुसु करने आते हैं, वो वाली जगह लग रही है। हम लोग अभी आ चुके हैं नए एरिया, दे देगा बता उसको। बात 10 रुपए की नहीं है, बात दे ये क्यों यार, हम टूरिस्ट लोग हैं, हमारा तो काटेंगे ही है। सो जो पुराने क्लब हम लोग गए थे वहाँ पे मोस्टली टर्किश गाने बजते थे, तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इंग्लिश गाने बजते हैं मोस्टली, इंटरनेशनल क्राउड रहता है। लेकिन लास्ट ब्लॉग में जब रितु दुबई गई थी उन्होंने कहा था पता है दुबई लेवर की सबसे खराब बात क्या है, आई मिस माई रशी। और उस मैंने देखा मैंने उसको उस क्लब में जहाँ पे गाने बज रहे थे ऐसा डांस किया इसने। हाँ और मुझे बुला रही कम डांस विद मी डांस में, मैं वो शर्म आती है ऐसा डांस नहीं कर सकता मैं। वैसे तो आई मिस माई रशी यार, मेरा बच्चा तो हमारे पीछे जो आपको रिवर दिख रही है ये डिवाइड करती है टर्की को हाफ पार्ट में। सो दिस रिवर बिहाइंड मी डिवाइड्स टर्की इनटू टू पार्ट्स, हाफ इन एशिया हाफ इन यूरोप। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन विच पार्ट आई एम नॉट श्योर, सो आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन माई ब्लॉग, अदरवाइज रितु विल से आई गिव। हम एशिया में तो ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज द मोस्ट हैपनिंग पार्ट ऑफ टर्की, जो क्लब हम जाने वाले रूबी वो भी 12 बजे खुलेगा। पहले क्या होता है हिसाब किताब, आ जाओ। बड़ी एक चीज़ है यहाँ पे, द लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा है। सो द गर्ल्स हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर नाइट, थोड़ा रोम अराउंड करके आएंगी। हम लोगों का हो गया गिव अप, वी आर गोइंग बैक टू दी होटल। आजो जी बैठो, चलो। ए एंडिंग कौन करेगा व्लॉग की? तेरे को पता है हमारा चैनल अभी नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि हम पूरा व्लॉग तो अच्छे से कर देते हैं, हम एंडिंग में कंजूसी काट जाते हैं। एंडिंग करिए अच्छे से, और गाइस प्लीज लाइक करिए, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो इतने आलसी भरे व्लॉगर हैं, इनसे लव एंडिंग नहीं हो रही। एंडिंग करो अच्छे से, कर तो दे अच्छे से, करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सो जाओ। इतने आलसी हैं इनसे कंबल से निकला नहीं जा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू फ्रॉम इस्तांबुल। एक्चुअली हमारा प्लान होता थोड़ा और घूमने का, बट इट वाज टू टायरिंग बिकॉज़ मिस हो गई थी इसको मैंने स्पेशली एंडिंग करने के लिए उठाया।